गढ़वाल का, उत्तराखंड का एक एक पत्थर भी उठा लो तो धरोहर के समान है। उसको बचाने के लिए ये भू कानून है। भू कानून नहीं चलेगी दोस्त, तुम्हारी खत्म होना ही होना है। यहाँ के जल जंगल जमीन इन सब पर बाहरियों का अधिकार होगा जिनके पास। जय बद्री विशाल। तो आशु फन टीवी के एक और नए ब्लॉग में सबका स्वागत है। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो मैं आ रखा हूँ कूड़दार भू कानून की महारैली में शामिल होने। तो इससे पहले हम लोग दिल्ली में कर चुके हैं रैली, उसके बाद मतलब शुरुआत इसकी देहरादून से हुई थी, देहरादून के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद अभी रिसेंटली हल्द्वानी में भी हुई थी, टिहरी में भी हुई थी। तो अब बारी है कूड़दार की, कूड़दार हमारे डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो इसलिए हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में रैली हो रही है तो हमें जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं घर पे ही था इसलिए मैं पहुंच चुका हूं आज कूड़दार भू कानून की महारैली में शामिल होने। तो अभी हम लोग चलते हैं वहीं पे जहां पे रैली हो रही है और लोगों से भी बहुत सारी वार्तालाप करेंगे। तो रैली में जाके लोगों के अंदर जोश भरेंगे। तो चलते हैं यहाँ से भू कानून की महारैली में शामिल होने। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे महारैली हो रही है, बट भीड़ बहुत कम है अभी सुबह के हिसाब से। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जल जंगल जमीन हमारी, नहीं चलेगी मर्जी तुम्हारी। जल जंगल जमीन हमारी, नहीं चलेगी दोस्त तुम्हारी। तो फिर अब रैली निकल चुकी है यहाँ से भू कानून की रैली, और पूरे कूड़दार में मतलब झंडा चौक तक चक्कर लगाएगी। यहाँ पे जो भी वक्ता लोग थे उन्होंने संबोधन कर दिया मूल निवास 1950 लागू करने के लिए और भू कानून लागू करने के लिए, लोगों को अवेयर कराया है। अब हम रैली के साथ निकलते हैं और लोगों से भी जरा वार्तालाप करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भू कानून और मूल निवास 50 लागू करना कितना अनिवार्य है। बहुत पहाड़ी, बहुत पहाड़ी, भाई जी जुड़ गए हमारे साथ। भाई जी कितना जरूरी है भू कानून और मूल निवास 1950 लागू होना? भाई साहब ये जरूरी था हम लोग को कहना कि हमारे जो है की खुदा भूमि होने के बावजूद आज भैर अकादमी जो है की नौकरी से लेके और बिजनेस तक उनकी ज्यादा बोल वाला थे। सही बात है, हम लोगों को जो है की न नौकरी से ना हम लोगों को एक व्यवसाय को कोई व्यवस्था थे, ये वजह से हम तो भू कानून और मूल निवास बहुत जरूरी थे। और हमारे ई सरकार से मांग थे कि हम तो ये दिए जा न तो जगह जगह जो थे इन्हीं जुलूस निकलो। सही बात है। अभी हल्द्वानी जन हुआ कांड अभी आसन का भाई जी जब तक अगर हम लोग तो भू कानून अरे मूल निवास मिला लो एक आशंका आने भविष्य कोरदार में थे। कोरदार में एक समुदाय विशेष बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई, बोले जाइए बोलना कि भाई ये वजह से देखते हुए ही हम लोग तो भू कानून और हम तो मूल निवास बहुत जरूरी है, हम लोग अगर आने पीढ़ी होना बहुत जरूरी है। ये अगर ये नहीं हुआ लो तो आने समय पता नहीं जाना हल्द्वानी में देखना हूँ मिल, हम भी कहना तो की और स्टेडियम में हम तो देखना हूँ मिल, हम ये हो जाते एक मांग का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई जी जुड़ की नाम अगर भाई जी तक बढ़े आज आप स्पेशली पीएन बताओ पहले भू कानून समर्थन में। उन मेयर गांव छो सतपुली बाड़ियों पर मेयर मकान है ये किसी दुर्गापुरी में, अब मेरे काफी साल लोग कोरदार में और हम तो भी चाहने लगे ये मूल निवास भू कानून ज्यादा जरूरी है। और स्पेशल मीडिया भी हल्द्वानी के चाहिए लड़ते समर्थन दियो ना, जब अभी हल्द्वानी में भी हो चाहे और बहुत ज्यादा जरूरी है। मित्र थे एक दिन इनाल की उत्तराखंड की जो भी हमारे पहाड़ की थी ना उन्हें लोगों ने उत्तराखंड का पूरा खाद्य। सही बात, तो लोग मतलब ये चाहते की हर जगह में एकता बने रखे ना, और अपार जो हमारे जो गढ़वाली भाषा हमारे जो हर चीज उत्तराखंड में जो हो चुम खासकर मूल निवास भू कानून वगैरह जरा जरा पर समर्थन देना ना, ताकि मूल निवास और जो जमीन से बाहरे लोगों में नहीं जा, बाहरे लोग में नहीं जा, ये खासकर लोग होते जो अपर पहाड़ी लोग खासकर सतर्क रहने चाहिए। और जो भी आना 2-4 लाख रुपया माना अपर जमीन 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 ब्याज
खासकर अपन आने वाली पीढ़ी को कम से कम बचाए कर रखे, क्योंकि बाहर इनसे की कभी भी रोजगार नहीं मिल वही हाल एक भी हो जाना, तो खासकर आप ज्यादा ज्यादा समर्थन भी देना। हाँ जी, बाकी चैनल का नाम भी बता दिया, भैजी भी ब्लॉग बनाता और हल्द्वानी और ब्लॉग डाली उच्च, बाकी और भी गाँव वीडियो डना रहता। यहाँ चला नाम जो उत्तराखंडी भाईजी ये चलाता, आप देखे ना ये माता का उत्तराखंड बारह माह आजकल में अभी ये सब पहले मौसम भी दिखाने में ना, और जब भी हमारे जो संस्कृति होंगी जो भी जो चीज दिखाना में वे वहाँ हर बार अबर वीडियो लेकर मैं आ जाऊँ, तो लोग पूरा समर्थन दे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी धन्यवाद। तो अभी मेरे साथ जुड़ गई है, आपका नाम क्या है? शुभ नाम राशि शाह। राशि शाह, तो अभी आप क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि यूथ बहुत कम आ रखा है अभी रैली में। यूथ तो फिलहाल दिख ही नहीं रहा है लड़कियों में, मुझे लग रहा है मैं ही दिख रही हूँ, मुझे और एक आध लड़कियाँ और है। हाँ जी, तो यूथ को इस इन चीजों में ज्वाइन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मतलब भू कानून कितना जरूरी है उत्तराखंड के लिए। सही बात है, और क्योंकि बहुत कम रेशियो है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं दिल्ली में भी गया था तो वहाँ भी लड़कियों का बहुत कम समर्थन था, क्योंकि नारी शक्ति को आगे आना चाहिए, महिला शक्ति तो आगे है बट जो यूथ है उसको आगे आना बहुत जरूरी है भूकरण और मूल निवास 1950 लागू करने के लिए। बाकी अभी हल्द्वानी में जो सीन हुआ उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? जी बिल्कुल, अब देखो हल्द्वानी में भी ये सीन क्यों हुआ, क्योंकि हमारे उत्तराखंडी लोग इतने कम बसे हुए हैं। सही बात है, और क्या बोलते हैं वो पुलिस पे भी जब अटैक कर सकते हैं तो लोकल लोगों का तो क्या होगा, तो लोकल लोगों का तो बोलना ही क्या है, अगर पुलिस ही उनके लिए कुछ नहीं है, यूथ तो और ये सब हम लोकल लोग तो कुछ नहीं है उनके लिए। हाँ, तो हमें एक साथ यूनिटी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आवाज उठाने के लिए हम सबको आना चाहिए रैली में, यूथ को तो स्पेशली आना चाहिए। हाँ जी, जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, हम लोगों के लिए तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं सब लोग। सही बात, तो यूथ को स्पेशली ज्वाइन करना चाहिए। मैं चाहूंगी कि आगे से जितनी भी रैली होगी और जितनी भी मांग करने जब भी रैली उठेगी तो यूथ जरूर आए। हाँ जी, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त कंटेंट बना था और जबर भूकानों ने रैली दे रहे धुन में, तो वरुण बहुत जबरदस्त वीडियो डाल चाहिए कि हम पहाड़ी लोग सब बहुत ज्यादा शरीफ होना ना, कैक अगर पैर भी पसंद चाहता हम कैक बुरा भी सोचता। तो अभी भाजी आप के बोल जलता हल्द्वानी में ये सीन भाई और ब्लू कानून मूल निवास 1950 कितना लागू कितना जरूरी है यार? मेन चीज ये हो जा कि हम लोग यार हमारा कल्चर ये है कि हम बहुत सीधे साधे लोग हैं और को आसानी से कोई भी ऑपरेस कर सकता है। हम ये भी नहीं कहते कि हमारा कल्चर हमारी संस्कृति सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, पर हाँ यहाँ गढ़वाल का उत्तराखंड का एक एक पत्थर भी उठा लो तो धरोहर के समान है, उसको बचाने के लिए ये भू कानून है, तो उसके लिए हम लोग सब एकजुट हुए और सबको होना ही पड़ेगा। अभी रिसेंटली आपने जो हल्द्वानी में देखा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देवभूमि है उत्तराखंड है और इस तरह का मॉडस ऑपरेंडी जो उस तरह जिस तरह से उन लोगों ने ऑपरेट किया है, मेरा ये जो भी कहना है ये किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के मतलब अगेंस्ट नहीं है, पर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में होने के बावजूद आपका इस तरह का मॉडस ऑपरेंडी यूज करेंगे आप टोटली नॉट एक्सेप्टेबल है। सही बात, दैट्स व्हाई हम सबको एकजुट होना है और होना ही पड़ेगा, भू कानून लेना ही पड़ेगा। बाकी अभी खुद आपसे यूथ बहुत कम आए हुए हैं ना, थोड़ा देख के तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, मतलब ये है ना कि अब मैं इसको एक टर्म में बोलता हूँ कूल। सारे बच्चे सारे जो नई पीढ़ी है ना वो कूल हो चुकी है, तो प्लीज ये सब लोग कूल से बाहर आए और आंखें खोले और देखे कि एक्चुअल में क्या सिनेरियो है, क्या चल रहा है जीवन में, तो सब लोग तब जाके इस सब चीजों को देख पाएंगे। सोशल मीडिया से बाहर निकले पहले तो जो सारे के सारे दिन भर फोन में चिपके रहते, देखे कि रियल मतलब फील्ड में जाकर देखे कि क्या क्या सीन है, और अगर वो नहीं आएंगे सामने भविष्य अंधेरे में है ना, बाद में जाके रोने से खुद को कोसने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लड़ाई उन्हीं के लिए लड़ी जा रही है, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उसी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बाकी सपोर्ट कर बिल्कुल, हमारा सपोर्ट बचपन से है जब हम पैदा हो गए, धन्यवाद भाई जी। तो इस साइड एक और भाई जी जुड़ गए हैं, भाई जी बताओ जरा कितना इंपॉर्टेंट है भू कानून और मूल निवास 1950 लागू होना? ये मूल निवास और भू कानून ये समझिए ये पहाड़ियों का अस्तित्व का प्रश्न है,
और अगर भू कानून और मूल निवास नहीं इस प्रदेश में होगा तो पहाड़ियों का अस्तित्व तो खत्म होना ही होना है। यहाँ के जल जंगल जमीन इन सब पर बाहरियों का अधिकार होगा। जिनके पास धन्ना सेठ जो माफिया वर्ग है वो इस प्रदेश को हाईजैक करके और यहाँ के पहाड़ियों के को एक किस्म से खत्म करने की फिराक में है, ताकि ये पहाड़ी प्रदेश में रह करके ये उन लोगों का प्रदेश बन जाए जो इस प्रदेश को केवल अपने लूट का साधन बना लेना चाहते हैं पर्यटन के नाम पे। और बिजली तमाम चीजें हैं पहाड़ियों के लिए, तो कहीं भी इनके कोई सुविधा नहीं है, लेकिन तमाम अधिनियम वन अधिनियम जो है वो पहाड़ियों पर लागू हो जाते हैं। सही बात है। तो ये सारी चीजों के लिए ये जरूरी है कि मूल निवास और भू कानून लागू होना बहुत जरूरी है, और जब तक ये नहीं होगा हम पहाड़ियों का अस्तित्व खतरे में पड़ा रहेगा। अभी हल्द्वानी में जो मैटर हुआ उस पर क्या बोलोगे आप, जो हल्द्वानी में भी हुआ था वो अगर आज भी न संभले, इसके पीछे मूल निवास और भू कानून ही कहीं ना कहीं है। अगर भू कानून और मूल निवास पहले से लागू कर दिया होता, 24 साल इस राज्य को बने हुए हो गए, अगर ये लागू कर दिया होता हल्द्वानी नहीं होता। और आज भी हम सरकारों से कहना चाहते, आज भी अगर नहीं सुधरे तो आने वाले समय कई हल्द्वानी उत्तराखंड में बन जाएंगे, और तब पहाड़ियों का यहाँ पहाड़ियों का रहना ना रहना बराबर के समान है, और वो लोग यहाँ पावर में आ जाएंगे जो यहाँ अस्तित्व हमारे अस्तित्व पर प्रश्न लगा देना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह एक समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। वो उसी का कारण है, वही कारण है, क्योंकि जो बाहर के लोग यहाँ पे हमारे पहाड़ियों में भोले वाले लोगों को मजबूर कर रहे हैं जमीन बेचने के लिए और खरीद रहे हैं औने पौने दामों पर, वो अपने उन लोगों को यहाँ बसा करके उनकी बसागत करके हमारे को यहाँ अल्प हमको एक अल्पसंख्यक बना देना चाहते हैं, और यही सरकारों की साजिश भी है। आने वाले समय में अरे पहाड़ों में वैसे भी विधानसभा की सीटें बहुत कम हो गई हैं और आने वाले समय और कम होने वाली हैं, और इसका नतीजा ये होगा फिर एक बार यहाँ का जो मुख्यमंत्री हो वो भी यहाँ का पहाड़ी नहीं बन पाएगा, गैर पहाड़ी में से मुख्यमंत्री चुना जाएगा, और हमारे लिए फिर ये समझ लिया जीवन मरना सब बेकार की बात है, पहाड़ी राज्य के अस्तित्व की जो मूल भावना थी वो खत्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नहीं चलेगी दोस्त तुम्हारी, जंगल जमीन हमारी, नहीं चलेगी दोस्त तुम्हारी, पहले लड़े थे कोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे कोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे कोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, अल्लाह बोल अल्लाह बोल, पहले लड़े थे कोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे कोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, तो अभी मेरे साथ जुड़ गया यूथ। कितना जरूरी है भू कानून को सपोर्ट करना? भू कानून भैया उतना ही जरूरी है जितना हमारा साथ देना जरूरी है, भू कानून भी उतना ही जरूरी है। हाँ जी, जैसे कि आप देख रहे हैं हल्द्वानी प्रकरण हुआ है अभी। हाँ जी, उसमें भी देख लो अगर भू कानून होता तो ये जो जो भारी लोग बस रहे हैं हमारे यहाँ तो ये नहीं हो पाता। आज जो इतनी बड़ी घटना हल्द्वानी में हुई है ये भी बच पाती। अभी कोटदार में भी वैसी सिचुएशन हो रही है, किसी स्थिति भी अभी ऐसी होने वाली है, भविष्य में कोटदार भी किसी हल्द्वानी से कम नहीं रहेगा। सही बात है, क्योंकि भारी समुदाय बहुत ज्यादा बची जो आज ये हमारी सरकार ये नहीं सुन रही है कि हमें भू कानून की जरूरत है। हाँ जी जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपने यहाँ पे स्टिकर भी बनाए हैं तो बहुत जरूरी है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर अभी आ गया हूँ मैं भू कानून रैली से। सुबह तो बहुत कम भीड़ थी, बट बाद में बहुत ज़बरदस्त मतलब जनसैलाब आ गया था, मतलब ठीक ठाक आ गया था, इतना कम भी नहीं था, बट बढ़िया से रही ये वाली रैली। खूब लोगों ने आके प्रदर्शन करा, और एक चीज़ बेकार लग रही थी कि वहाँ पे कांग्रेस वाले अपने झंडा लेके आ गए, और उत्तराखंड क्रांति दल वाले अपना, और फिर बाकी और भी जो थे वो लोग भी अपना अपना झंडा लेके आए। तो इस चीज़ को एक पार्टी वाला ना बना के नॉर्मली सब लोग एक यूनाइटेड रहते, और प्रॉपर जो भू कानून रैली है उसके ऊपर हम लोगों को मतलब अडिग रहना चाहिए, ना कि ये फिर पार्टी वाले हिस्से में जाना चाहिए। तो फिर आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भू कानून रैली वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना अपने जो आपके रिव्यू हैं कि ये रैलियाँ करना सही है और आगे क्या करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, और जो भी चैनल पहली बार आया है सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक जय विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। हिमालय लूटते रहे।